तुम्हें दिखाएं। लड़की वाले जरूर है लेकिन इज्जतदार लोग हैं, आप लोगों की तरह नहीं कि जब दिल में आए किसी की बेइज्जती करके चले जाएं। चारे माँ बाप उसके। नहीं छोटी अम्मी नहीं, वो बिल्कुल हक पे थी। तुमने अपने बेटों के लिए जो जंग छेड़ी है उसने ये साबित कर दिया है कि वो मुझसे ज्यादा तुम्हारे बेटे हैं। आप है ना मेरे साथ, कहीं भटकूंगा तो आप मुझे हाथ पकड़ के वापस सीधे रास्ते पे ले आइएगा। कभी ना कभी मेरे बगैर जिंदगी गुजारनी होगी। साहेब वक्त निकल रहा है, शहादत।
अल्लाह मग़फ़रत करे उनकी। समझ में नहीं आता इतनी जल्दी सब कैसे हो गया। अल्लाह तुम्हें हिम्मत और सब्र दे बेटा। बेगम साहब, डॉक्टर साहब और शहबाज साहब अफसोस के लिए। अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। मुझे नहीं मालूम था कि अंजाना इतनी जल्दी उनकी मौत का सबब बन जाएगा। हालांकि वो जो दवाएं ले रहे थे उससे तो रिस्क खत्म हो जाना चाहिए था। वो बाकायदगी से दवाएं तो ले रहे थे ना जी? जो दवाइयाँ आपने दी थी वही खा रहे थे बाकायदगी से। बल्कि रात की दवाई तो शहराम ने दी थी उन्हें। कौन से जहनी दबाव का शिकार थे, कैसे अचानक अटैक हुआ और हम सबको छोड़ के चले गए। आप कुछ भी कर लें, हर एक का एक वक्त मुतय्यन है। डॉक्टर साहब, मैं शहराम के सामने जिक्र नहीं करना चाह रही थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि शाह साहब बहुत परेशान थे। कोई फिक्र थी जो उन्हें खाए जा रही थी। शहराम को इस बात का नहीं पता है। मेरा ख्याल है यही वजह थी कि एंजाइना का अटैक हुआ और ब्लड प्रेशर भी इतना हाई हो गया। अस्सलामुअलैकुम। अब वो मेरा नाम रऊफ अहमद है, मैं कराची से हूँ। वो शाह साहब की जो फैक्ट्री है ना कराची में, वहाँ सुपरवाइज़र मैं। वो कल से उन्हें फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन पे रबता नहीं हो रहा, तो कोई नंबर दूसरा उनका हो तो वो ज़रा दे दें। सर शायद आपको इल्म नहीं है, सुबह ही उछल बसे। क्या शाह साहब का इंतकाल? जी सर, अटैक हुआ है, अभी तदफीन भी हो गई होगी। मैं उनके बेटे से हवेली में मिल लेता हूँ। रो सब क्या हुआ? मैं चाहती हूँ कि आज का दिन तुम दोनों को हमेशा याद रहे। इसलिए नहीं कि तुम्हारा बाप तुमसे छिन गया है, बल्कि इसलिए कि जिंदगी ने तुम दोनों को मौका एक और दिया है। मैं कुछ फैसले करने जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों उन पे पूरे उतरोगे। चल।
क्या कहूं भाभी, मुझे जरा भी अंदाजा होता कि मैं अपने भाई अपने मौसिन से आखिरी बार मिल रहा हूं तो बाखुदा मैं कभी वापस ना जाता। जिंदगी का कुछ पता थोड़ी होता है शबाज भाई, इंसान सोचता क्या है और होता क्या है सब नसीब के खेल है। खैर, मैं नहीं चाहती कि मजीद कोई रुकावट बने कामों में। बेहतर है कि हम जमीनों और कारोबार की ट्रांसफर की बात शुरू कर दें। वसीयत तो मुराद साहब ने बनवा ली है अपनी जिंदगी में ही, और उस पर साइन भी हो चुका है। आपको तकलीफ देने की माफी चाहता हूँ, शहराम इस सिलसिले में बात नहीं करना चाहते इसलिए आपको तकलीफ दी। मुराद साहब की ख्वाहिश थी कि वसीयत जल्द से जल्द आप लोगों के सामने पेश कर दी जाए। शहराम, मुराद साहब की आखिरी ख्वाहिश नहीं सुनोगे? वसीयत के मुताबिक मुराद साहब की इस हवेली के इकलौते मालिक अब शहराम हैं। फैक्ट्री और जरई जमीनों में 70% शहराम का और बाकी 30% तबरेज और अब्दुल साहब के नाम है। शहराम साहब अपनी मर्जी से इन मुकर्रर हिस्सों में रद्द बदल कर सकते हैं। अपने दो आमों के बाग और खैरपुर वाली कोठी उन्होंने आपके नाम की है। इसके अलावा उनके पर्सनल अकाउंट में जो कुछ भी है वो भी आपका है। तमाम शेयर्स, बॉन्ड्स और लॉकर्स में रखा रेहाना बीबी का तमाम जेवर अब शहराम साहब का है। जिन जिन घरों को हवेली की तरफ से हर महीने नकद रकम और राशन पहुंचाया जाता है वो उसी तरह दिया जाता रहे। वो चाहते थे कि ज़िले में पानी के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, इसलिए अब ये काम शहराम के सुपुर्द है। इसके अलावा नए स्कूल की तामीर का काम भी इन्हीं को देखना होगा। बस ठीक है, और कुछ है जो मेरे जानने के लिए जरूरी है? नहीं भाभी, मैं मुराद साहब का वकील होने के साथ साथ दोस्त भी हूँ। इस नस्बत से मैं ये कह सकता हूँ कि वो आप सबसे बहुत मोहब्बत करते थे, बल्कि इस हवेली में रहने वाले हर शख्स से मोहब्बत करते थे, उनके लिए दर्द रखते थे जैसे वो उनका अपना हो। कितने घरों के चूल्हे मुराद साहब की वजह से जल रहे थे। मुझे उम्मीद है कि ये रिवायत यूं ही कायम रहेगी और शहराम पूरी लगन और जिम्मेदारी से इस काम को अंजाम देंगे और उनके दोनों छोटे भाई उनके शाना बशाना रहेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। इजाजत चाहूंगा, खुदा हाफिज। वाह, क्या अदा किया आपका बीबी होने का। आटे में नमक के बराबर दुआ वो हमें दी हो, बाकी सब कुछ उस शराम के नाम कर दिया। 30% बस। जाओ शहराम के पास जाके बैठो, अकेला है वो। बीबी आपको उसकी पड़ी थी? इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम उसके साथ रहो। देख नहीं रहे कितना बेहाल है? जितना ज्यादा उसके साथ साथ रोके उसी में तुम्हारा फायदा है।
मीठे मिठाई ये सब कल आराम से करता हूँ, अब इतनी जल्दी तो यही इंतजाम हो सकता था। आज गया शायद मैं दोबारा यतीम हो गया। क्या है ये सब कुछ? अब ये सब क्या है? क्या क्या है? क्या है? कहाँ से कहाँ तुम्हारी जिद्दे? अरे तुम तो अंदर आओ, कल यू हो रहे इसमें। सिर्फ जरूरत के लिए है, आदत नहीं बननी चाहिए। तो कैसे बैठे रहोगे? ना खा रहे हो, ना ठीक से सो रहे हो, ना किसी से बात कर रहे हो, ना किसी से मिल रहे हो। इतनी ज्यादा सोग और मायूसी की तो खुदा भी इजाजत नहीं देता। मेरा दिल तो बचपन से ही सोग में, से लगता है ऊपर वाला मुद्दतों से नाराज है मुझसे। जिसके छूने का डर उसी को छीन लेता। ऐसे आते रहो मुझे। ऐसे नहीं सोचते, मेरी तरफ देखो, मैं भी तो हूं तुम्हारे सामने, खुद को झूठे दिलासे दे रही हूं तुम लोगों की खातिर। तुम पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शाह साहब, तुम्हें इस काबिल समझते थे तभी सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। मैं नहीं सुन सकता ये सब। मैं अब खुद संभाल नहीं पा रहा, मैं फैक्ट्री कैसे संभालू? जो भी काबिलियत थी मेरी चले गई उनके साथ। अपने जहन पे इतना बोझ मत दो, कोई नहीं कह रहा कि फौरन से खड़े होकर जिम्मेदारियां संभाल लो, अपने आप को वक्त दो, ये सारे ख्यालात निकाल दो अपने जहन से, तभी कुछ बन पाओगे। अपने आप को अकेला मत समझो, मेरा और तुम्हारा रिवायती रिश्ता तो कभी भी नहीं था। ये मेरा वादा है तुमसे, जब भी तुम्हें सहारे की जरूरत होगी मुझे अपने पीछे खड़ा पाओगे। माँ ने काम कदा किया है, तुम भी बेटे होने का हक अदा करो। चलो।
आराम से इधर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, नीम गर्म है, पी के सो जाना, नींद आए तो नींद से लड़ना नहीं। छोटी अम्मी, जब से अब्बा गए मैं सो नहीं पाया, नींद की गोली मिल जाएगी प्लीज। इस हालत में मेरा जहन मेरा साथ नहीं दे रहा, उसका माप तो मेरा साथ दे दे प्लीज। रुको, सिर्फ जरूरत के लिए है, आदत नहीं बननी चाहिए। ये यहीं छूट जाए शहराम प्लीज। सोच रही हो किश्वर, आओ खाना खा लो। इस कैफियत को क्या कहते हैं जब जहन पे सोग सवार हो लेकिन दिल अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। बहुत तकलीफ में बेचारा हमारा शहराम, नींद की गोलियां खा के सोया है। जीनत से बात हुई आपकी? नहीं, क्यों? ताजियत के लिए आना चाह रही थी मेरे पास। अब मुझे लगता है कि उसके आने में मेरा ही फायदा है। इतना कुछ किया है मैंने उसके लिए, अब वो भी कुछ करे मेरे लिए। बहुत अकेला है शहराम, उसे किसी के कंधे की जरूरत है। मैं चाहती हूं कि वो कंधा जीनत का हो। अगर तुम ये सब कुछ जमीन और जायदाद के लिए कर रही हो तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शहराम को इन चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो ये सब कुछ तुम्हें वैसे ही लिख कर दे देगा। मैं नहीं मानती, इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसे दौलत से प्यार ना हो। इस वक्त उसे मयस्सर है इसलिए लगता है कि शहराम को दिलचस्पी नहीं है, जब छिन जाएगी तो तड़प जाएगा। बेगम साहबा, मुराद साहब का एक मुलाजिम शहर से आया है, कह रहा है कि मुराद साहब ने उसे खुद बुलाया था, आपसे बात करना चाहता है। ये कौन सा वक्त है ऐसी बातों का, वापस भेज दो उन्हें। जी बेहतर। क्यों बेवजह नफरत कर रही हो शहराम से? जिस तरह कुछ मोहब्बतें बेवजह होती हैं उस तरह कुछ नफरतें भी बेवजह होती। मैं अपने बेटों का हक लेकर ही रहूंगी, चाहे वो जिए या मुसीबत है।
कर ली हमने, जिसकी सजा हमें ये मिल रही है। इतनी अच्छी खासी बनी बनाई जिंदगी को छोड़ के हम यहाँ क्या करने आए हैं? इस तरह चूहे की तरह बिल में घुस के बैठे रहे क्या? क्या हो गया मानूर, शोर क्यों मचा रही हो? तुम्हें अंदाजा है ना कि अल्लाह ने तुम्हारी जान और इज्जत दोनों की हिफाजत करके यहां तक पहुंचाया है। इस तरह से रोज रोज की जंग से ना कुछ हासिल नहीं होगा, मां सिवा इसके के घर का माहौल खराब होगा और बिगड़ेगा। अम्मा ये जंग उसूलों की, अम्मा बातों की नहीं, इसलिए मैं नहीं हार मानने वाली। और मैंने अब्बा से कोई बदतमीजी नहीं की है, वो ये जो मुझे माफ करने को तैयार नहीं है। मानूर वो तुम्हारे अब्बा है, दुश्मन नहीं है। अरे कभी उनकी बात भी सब्र से सुन लिया करो, इतने परेशान है। इस तरह से मुराद साहब का दुनिया से चले जाना बहुत भारी पड़ रहा है। अरे पता नहीं आगे क्या लिखा है हमारे लिए। अगर मुराद साहब के घर वालों से भरोसा उड़ गया है तो छोड़े ना सब कुछ अम्मा, हम अपने घर वापस चलते हैं। मैं नौकरी करूंगी, अब्बा अपना काम वहीं से संभालेंगे, और अगर यहीं रहना है तो कम अज कम मुझे उनकी मदद तो करने दें। जब तक अब्बा को फैक्ट्री में नई नौकरी नहीं मिल जाती, वो कोई और काम भी तो कर सकते हैं ना। मुझे नहीं लगता कि मुराद साहब के बाद अब्बा को यहाँ कोई पूछने वाला भी है। यहाँ नौकरी करोगी, ज्यादा से ज्यादा क्या नौकरी ना सही, कॉलेज में दाखिला करवा दे मेरा। पढ़ना चाहती हूँ अम्मा, मैं किसे पढ़ाना चाहती हूँ? जो सिलसिला जहाँ से खत्म हुआ था वहीं से शुरू करना चाहती हूँ ना। क्या हुआ है? पता नहीं आपी, जिस दिन से गिरी हूँ ना बस बार बार तकलीफ उठती है अजीब सी। हल्दी वाला दूध रोज पियो, ठीक हो जाओगी। बिल्कुल दूध पे गुजारा कर लो, डॉक्टर के पास जाने की तो जरूरत ही नहीं है। जो कुछ भी हमें होना होगा ना वो इसी घर में बैठे बैठे ठीक हो जाएगा। देखो मानूर, यू रोज तंज करने से ना हमारा कुछ नहीं होगा। और मैंने कब कहा है कि आयशा को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहिए? मेरे पास सुनो बेटा, जो तुम्हारा दिल करे ना तुम करना, लेकिन अपने घर की हो जाने के बाद अगर तुम्हारा शौर इजाजत दे दे तो बड़े शौक से आगे पढ़ना। शौहर, शादी, शादी के नाम पर जो कुछ हुआ है मेरे साथ आप भूल गई अम्मा? क्या मैं इसलिए रह गई हूँ कि आधी जिंदगी अब्बा के अप्रूवल का वेट करती फिरूं और बाकी की जिंदगी अपने शौहर के अप्रूवल का? कि सुनिए, सांस ले लूं, आपकी इजाजत है। अम्मा अपने ऊपर रख के सोचा करें, अगर आपको आगे पढ़ने लिखने दिया जाता ना तो आपकी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती, आप बहुत खुद मुख्तार होती, आज अब्बा का सहारा बन सकती थी आप, जैसे मैं बनना चाहती हूँ। लो ये अच्छी बात है, जो तुमसे हमदर्दी करे ना उसी को जलील कर दो। ईश्वर, मुराद शाह को ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसने उसकी जान ले ली? क्यों क्यों पूछ रही हो? कहीं किस्मत को कुछ और ही मंजूर था लगता है। जिससे जुदा करना चाह रही थी उसी के पास चले गए, और इसी बहाने मेरी आजमाइश भी खत्म हुई। खाना लग गया है, खा के जाना अम्मा। जब तक मैं हूं मेरा बेटा है, ये हवेली है और हमारे नेक इरादे हैं। रेहाना हमेशा जिंदा रहेगी।
सर से बाद में मिल लीजिएगा। बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी बात हो जाए उनसे। उनकी हालत देख तो रहे ना, आप अभी जाएं, प्लीज प्लीज आप अभी जाएं। एक बेगम साहिबा, स्वयं का खाना बंटवा दिया है। सबने खा लिया ठीक से? जी। अपने घर के लिए भी कुछ ले जाना। जी बेहतर। सुनो। जी बेगम साहिबा। कुछ अरसा पहले तुमने कहा था तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। जी। हो गई तय? क्या तारीख ठहरी? हमें तो तारीख भी हालात का रुख देखकर बदलनी पड़ती है बेगम साहिबा, और जैसे सारे इंतजाम हो जाएंगे रुख्सत कर दूंगा उसे। इंतजाम की फिक्र मत करो, तुम्हारे शाह साहब नहीं है तो क्या होगा, मैं हूं तुम लोगों की देखभाल करने के लिए। किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, एक ही तो बहन है तुम्हारी। ये तो आपका बड़ा पान है बेगम साहिबा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान बेशक भूल जाना, लेकिन एक बात याद रखना, इस घर की बागडोर अब मेरे हाथ में है। जब जैसे कहूं वैसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शाह साहब के फैसलों पे सवाल नहीं उठाते थे उसी तरह। मेरी क्या जरूरत बेगम साहिबा कि मैं कोई सवाल उठाऊं? ठीक है जाओ। जी। अपने हाथ पे बंधी घड़ी को गौर से देख लो शहरा, तुम्हारी बर्बादी का वक्त शुरू हो गया है। आवाज में चाचा मैं चलूंगा। छोटू, कि सामने कोई बाजार है क्या? जी बाजी,